के कार्यक्रम के लिए, एक शिव चर्चा के लिए गए, तो वहां किसी एक बंधु ने पूछा कि गुरुजी आप 7 दिन की कथा करने के लिए पुणे जा रहे हैं और पुणे में लोग इतने व्यस्त रहते हैं मुंबई पुणे में कि कथा का पंडाल छोटा लगवाना, ज्यादा बड़ा मत लगवाना, क्योंकि लोग व्यस्त बहुत है पुणे और इधर पुणे में मुंबई साइड में, इधर लोगों की व्यस्तता बहुत, और मालूम पड़े आपने बहुत बड़ा पंडाल लगवा लिया और वो खाली रहे तो क्या मतलब का। तो जिन्होंने प्रश्न किया उनसे कहेंगे एक बार जरा पुणे आकर देख लीजिएगा भाव से है? अभी तो शंकर भाव का टेंशन बढ़ा हुआ है कि कल क्या होगा तेरा कालिया, अभी तो चिंता इनकी है। हाँ, हमको, हम क्यों चिंता करें, हम तो बाबा के भरोसे चलते। अगर पहले दिन इतने आए हो तो दूसरा दिन तीसरा दिन शंकर भाव भी बस यही कहेंगे खसकते जाओ खसकते जाओ खसकते जाओ। ये तो शिव भक्ति है, और बड़ी आस लेकर आप लोग यहां पहुंचे हो, बड़े विश्वास के साथ पहुंचे हो। ये झोली 7 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी भरकर भेजेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। हम अपने दिल की बात देव अधिदेव महादेव से कहेंगे इन 7 दिनों में।